गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई नेम इज़ शीतल कौर। मैं तुहाडा स्वागत करदी हाँ साडे यूट्यूब चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते। अज असी बहुत ही जरूरी टॉपिक करन जा रहे हाँ जो तुहाडे लई बहुत ही हैल्पफुल रहूगा। जिन्हां विद्यार्थियों ने एग्जाम देना, कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना गा, उहदे विच इह टॉपिक, इह ग्रामर, जो बेसिक ग्रामर आ, तुहाडी बहुत ही हैल्प करूगा, जिस दे नाल तुसी ईजली इस एग्जाम नू क्लीयर कर पाओगे। तां अज दा साडा टॉपिक हैगा आ प्रेपोजिशन। फर्स्ट टॉपिक किया से डिटरमिनर, जिदे ते आपां डिटरमिनर किए से फोर टाइप के विद एग्जाम्पल दे नाल, जो कि साडा खत्म हो गया। अज असीं सैकेंड टॉपिक करांगे प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशनस भी गवर्नमेंट एग्जाम दे विच आंदियां गईयां ते बहुत बच्चियां नूं उहदे विच दिक्कत भी आंदी है वी उहनां नूं किद्दां करना किद्दां नहीं करना। प्रेपोजिशन ते कुछ क ही वीडियो होणगीआं, आई थिंक जो मैं देखियां यूट्यूब तो बहुत घट वीडियोज़ आ जो अवेलेबल हैगीआं ने। बट इस दे लई असीं एक प्रेपोजिशन ते छोटा जिहा टॉपिक दे उत्ते असीं एक छोटी जी वीडियो बनावांगे जो तुहाडे लई बहुत ही हैल्पफुल रहूगी। सो अज दा साडा टॉपिक हैगा आ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन पहला हुंदा की आ, ठीक आ। पहला एक डेफिनेशन आपां कर लैणे आ प्रेपोजिशन ते, जिदां कि अ वर्ड use word before noun, pronoun and noun phrase, जिहड़ा कि शो करदा to show time location डायरेक्शन, कोई स्पेशल रिलेशनशिप जिहड़ियां कि इन आ हैगे एक डेफिनेशन आ भी प्रेपोजिशन हुंदा की आ, ठीक आ। कोई भी कोई वर्ड आ, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड आ जिहड़ा कि यूज कीता जांदा किहदे तों पहलां, नाउन तों पहलां, प्रनाउन तो पहला और एंड नाउन फ्रेज तो पहला, जिहड़ा कि शो की करता है टाइम नू, लोकेशन नू, डायरेक्शन नू, कोई स्पेशल रिलेशनशिप नू। एक छोटी जी एक डेफिनेशन आ जिहदे थ्रू तुहानू पता लगता कि प्रेपोजिशन हुंदा की आ, ठीक आ। हुण असी मतलब इहदे फॉर एग्जाम्पल की हुंदा की आ प्रेपोजिशन, सच एज एट, ऑफ, टू, अपॉन। फॉर एग्जाम्पल एट, ऑफ, टू, अपॉन एंड इन, ठीक है। ये आदि कुछ एग्जाम्पल आ, आप बहुत ज़्यादा डूंघाई दे विच नहीं जावांगे टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आप मतलब उन्ना क ही करांगे जिन्नी क आपनूं जरूरत आ, ठीक है। हुण आपां इहदियां एक एक तुहानूं मैं एग्जाम्पल लैके उहदियां उहनूं तां उहदे नाल सेंटेंस लिख के तुहानूं क्लैरिफाई कर दूंगी वी किहड़ी प्रेपोजिशन कित्थे यूज़ हुंदी आ, किवें हुंदी आ ते क्यों हुंदी आ, जिहदे नाल तुहानूं होर क्लैरिफिकेशन मिल जूगी ते एंड तुसीं मतलब ईजली कर पाओगे, जिहदे नाल तुहानूं कोई दिक्कत नहीं आऊगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आऊगी इन एग्जाम दे विच, ठीक आ। हुण असीं पहला करांगे पहला असी करांगे एट। एट दा यूज कित्थे कित्थे हुंदा हुण असी सब तो पहला मतलब तुहानू दसांगे कुछ एग्जाम्पल दे नाल, मतलब उहनू आपां किद्दां यूज करना कित्थे यूज करना वा, ठीक आ। पहला आपां करांगे एट। एट एट कित्थे यूज किया जाता, क्यों यूज किया जाता ते किवें यूज किया जाता, हुण तुहानू ओह दसांगे। पहली गल तां एट आपां दो चीज़ां दे लई यूज करदे हां, एक तां आपां टाइम दे लई यूज करदे हां ते एक आपां यूज करदे हां डायरेक्शन दे लई, जदों आपां किसे नूं कोई डायरेक्शन दसनी होवे, ठीक आ। एट फॉर एग्जाम्पल तुहानू इक एग्जाम्पल दिंदी हां,
टुडे द मीटिंग एट 6:00 PM या 6:00 o'clock। आ एग्जाम्पल एट वर्ड कितने यूज किया आप इतने, ठीक है। फो आप एट कितने यूज कर सकते हैं फॉर टाइम के लिए, फॉर किसी को डायरेक्शन दसन के लिए, ठीक है। हुण आप टाइम लिए किमें यूज किया टूडे द मीटिंग एट 6:00 o'clock की जी मीटिंग आज 6 बजे है, ठीक है। तो वो अगे आप लाता एट, ठीक है। सैकेंड आप वर्ड कि सेंटेंस यूज करना बिफोर, बिफोर की पंजाबी की होंगी है पहला, तो सारे नहीं पता कि बिफोर आप कहने बिफोर होंदा पहला, आफ्टर होंदा बाद, ठीक है। बिफोर, बिफोर मतलब बिफोर पहला, ये आप कादे लिए यूज करते हैं टाइम के लिए, ये भी आप कादे लिए यूज करते हैं टाइम के लिए। बिफोर आप कादे लिए यू हम आप बिफोर करते पे, बिफोर आप कादे लिए यूज करते हैं टाइम के लिए। अगर यदि आप एग्जाम्पल लिखनी हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बिफोर द एग्जाम्पल लिखनी हो, आई go to the gym before school, वी मैं आई गो टू जिम कि मैं जिम जाऊँगा बिफोर स्कूल, वी मैं स्कूल तो पहला जिम जाऊँगा। इतने अपना वर्ड कि यूज हो गया बिफोर, मतलब प्रेपोजिशन, इतने अपनी प्रेपोजिशन यूज हो गई है बिफोर के नाल। आज एग्जाम्पल हुण आपां नैक्सट करांगे हुण आपां जिहड़ी थर्ड प्रेपोजिशन आ हुण आपां उह यूज करांगे। थर्ड प्रेपोजिशन किहड़ी करनी आपां बिहाइंड, बिहाइंड ये आपां कदों यूज करदे आ फॉर पोजिशन दे लई, पोजिशन दे लई इहनूं आपां यूज करदे आ। इहदी फॉर एग्जाम्पल वी पार्कड द कार बिहाइंड द स्कूल बिल्डिंग, ठीक है। एग्जाम्पल दी आप बिहाइंड दी, बिहाइंड कदों यूज करते आप पोजिशन दे, ठीक है। वी पार्क द कार बिहाइंड, अपनी इतने की आ गई प्रेपोजिशन, बिहाइंड द स्कूल बिल्डिंग भी जिहड़ियां आप गड्डियां नूं खड़ा सकते हैं कारा नूं, वी हुंदा असी, पार्क हुंदा पार्क करना खड़ा करना, द कार कारा नूं, बिहाइंड बिहाइंड हुंदा पिछे, बिहाइंड द स्कूल बिल्डिंग भी जिहड़ी स्कूल दी बिल्डिंग आ उहदे पिछे जिहड़ी आपां वी पार्क द कार आपां कार नूं पार्क कर सकते हैं स्कूल बिल्डिंग दे पिछे। आ सी एग्जाम्पल, ठीक है। हुण साडी इह फोर्थ कैटागरी भी हो गई प्रेपोजिशन दी, ठीक है। हुण आपां नैक्सट जिहड़ी हैगी इहदी कैटागरी उह करांगे इन, इन तो बहुत यूज किया जाता, चाहे तुसी इंग्लिश बोलो चाहे तुसी ग्रामर दे विच किते भी कोई भी सेंटेंस दे विच कह लो जां कोई भी टॉपिक दे विच कह लो, इन दा बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। मतलब इन दी बहुत ही आप कह लिए इंपॉर्टेंट आ, इन्ना इंग्लिश दे विच, इन्ना प्रेपोजिशन दे विच, इन्ना ग्रामर दे विच एंड एज वैल एज इन आ स्पीकिंग दे विच, ठीक है। इन वर्ड आप कदों यूज करते हैं इन्ना टाइम दे लई, ओके, इन्ना पोजिशन दे लई एंड ऑलसो इन आ लोकेशन दे लई। इत्थे तीन चीज़ां ते आपां इन वर्ड यूज कर सकते हाँ, ठीक है। टाइम दे लई कोई आप टाइम दसना उदो वर्ड इन यूज हुंदा आ, कोई आप किसी नूं पोजिशन दसनी आ उदो वर्ड इन यूज हुंदा आ, किसी नूं आप लोकेशन दसनी आ जां आप लोकेशन ते खुद आ, जां कोई आप कोई वर्ड इदां दा बोलना इंग्लिश दा जिहदे विच आप लोकेशन वर्ड यू लोकेशन वर्ड यूज हुंदा कि मैं उत्थे खड़ी आ, है ना, जां मैं उस लोकेशन ते आ, जां आई एम इन अ डैश लोकेशन, ठीक है। उत्थे वर्ड किथे यू केड़ा वर्ड यूज हुंदा इन, उत्थे आपां इन कहना। लाइक लोकेशन दे लई
अगर आप लोकेशन तो स्टार्ट करिए, एदी एग्जाम्पल दिने आ, माई सिस्टर लिव्स इन कैनेडा, जिहड़ी मेरी भैन आ वो कैनेडा दे विच रहिंदी आ। ठीक आ, इन की आ गया इहदे विच प्रेपोजिशन, मेरी भैन माई सिस्टर लिव्स रहिंदी आ कित्थे, इन कैनेडा, इन कैनेडा दे विच जिहड़ी मेरी सिस्टर आ जिहड़ी रहिंदी आ। ठीक आ, हुण आपां नैक्सट कदे लई यूज़ करांगे पोजिशन दे लई। ठीक आ, पोजिशन दे लई इन दी वरतों किवें हुंदी आ, हिज मदर कैप्ट हिज क्लोथ्स इन कपबोर्ड, वो ये हड्डी कपबोर्ड भी कह सकते हैं, अलमीरा भी कह सकते हैं। ठीक है, डोंट बी कन्फ्यूज। ओके, पोजिशन आप कदों यूज करते हैं, मतलब कोई पोजिशन दसनी होवे इन दे विच पोजिशन की किदा मतलब आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज मदर उस दी मम्मी, कैप्ट हिज क्लोथ उस दे कपड़े, इन कपबोर्ड भी कपबोर्ड दे विच रखती है। ठीक है, हिज मदर कैप्ट हिज क्लोथ इन कपबोर्ड, इतने इन आ गया ना प्रेपोजिशन। ठीक है ना, ओके। नैक्सट आप यूज कर, अगर हम इन आप टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, अगर इन आप टाइम के लिए भी वरत सकते हैं, जिदा द गेम, जा गेम कह लो, जा कोई प्ले जो खेड रही है। ठीक है, द गेम विल एंड इन 10 मिनट, भी जिहड़ी गेम आ विल मतलब फ्यूचर दे लई आ गया। ठीक है, द गेम विल एंड जिहड़ी खत्म होगी इन 10 मिनट दे विच विच आ जिहड़ी वह गेम खत्म होजूगी गी, मतलब फ्यूचर, इत्थे इन आ गया ना प्रेपोजिशन। टाइम दे विच भी इन आ गया, पोजिशन दे विच भी इन आया, लोकेशन दे विच भी इन आया। देखिए ना भी इन दी यूज़ आप, इन दा मतलब आप यूज़ या इन दी आप वरतों किन्नियां चीज़ां दे लई, किन्नी किन्ने मतलब जगह कित्थे कित्थे आप यूज़ कर सकते हैं। सो अज दे जिहड़ा अपना आ वाला सीगा, ए वाला भी अपना खत्म हो गया टाइप। हुण अपनी नैक्सट टाइप हैगी, सो हुण अपनी जिहड़ी नैक्सट टाइप आ उह हैगी आ ऑन। सुनिया होगा ऑन दा मतलब, तुसीं ऑन दा मतलब की हुंदा, उत्ते उत्ते भी कह सकदे आ, अपॉन भी हुंदा, बट इहदी हुण आपां यूज़ देखांगे कित्थे कित्थे यूज़ हुंदा गा। इह भी तीन जगह ते यूज़ कीता जांदा आ। फर्स्ट कादे लई कीता जांदा यूज़, टाइम दे लई। सैकेंड कादे लई यूज़ कीता जांदा, लोकेशन दे लई। थर्ड कादे लई यूज़ कीता जांदा, डायरेक्शन दे लई। ओके, हुण आपां इहनां इक एग्जाम्पल, सो हुण अपनी जिहड़ी नैक्सट टाइप आ ऑन। ठीक है, ऑन दा मतलब की हुंदा, उपर भी कह सकते हैं, जां हुण आपां देखांगे मतलब ऑन आपां कित्थे कित्थे यूज़ कर सकते हैं। फॉर टाइम दे लई, फॉर लोकेशन दे लई, फॉर पोजिशन दे लई, इन्हां तिन्हां दे लई आपां ऑन दी वरतों कर सकते हैं। जिदा फॉर एग्जाम्पल, तुहानूं तिन्हां दे एक एक एग्जाम्पल दे के तुहानूं क्लैरिफाई मिल जू कि किद्दां। अगर आपां टाइम दी गल करदे हां, टाइम दी आपां जे एग्जाम्पल लईए, माई वकेशन बिगिन जां स्टार्ट ऑन मंडे, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਗੇਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਗੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਗੇਨ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੋਂ, ਮਾਈ ਵਕੇਸ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਔਨ ਮੰਡੇ। ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਹਾਊਸ built on main road, कि उस दा घर कित्थे बनया होया, मेन रोड दे उत्ते। आप
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਹਨਾ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਕਾਰਨਰ, ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨਾ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਉਸਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਹਾਊਸ ਬਿਲਟ ਔਨ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਵੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਟ ਹੈ। ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਜੀਸ਼ਨ। ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾ ਜੱਗ, ਇਜ ਔਨ ਸੈਲਫ ਦਾ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਜੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ, ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਊਗੀ। ਦਾ ਜੱਗ ਇਜ਼ ਔਨ ਸੈਲਫ, ਵੀ ਜੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਔਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬਿਗੇਨ ਔਨ ਔਨ ਮੇਨ ਰੋਡ ਔਨ ਸੰਡੇ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਨ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਨ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੂ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਆ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਪ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਟੂ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਟੂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ? ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਟ ਦਾ ਫੂਡ ਇੰਟੂ ਦਾ ਫਰਿੱਜ, FRIDGE, ਇੰਟੂ ਦੀ ਯੂਜ਼, ਇੰਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੁੱਟ ਦਾ ਫੂਡ, ਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪੁੱਟ ਦਾ ਫੂਡ ਇੰਟੂ ਦਾ ਫਰਿੱਜ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਉਹ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਗਾਇਸ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਟੂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੂ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਹੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਟੂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਫੋਰ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਫੋਰ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਫੋਰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਟੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਵਾਕਿੰਗ ਟੂ ਵਰਕ, ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਟੂ ਵਰਕ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਵਰਕ, ਵਰਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਟੂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ? ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ? 9 to 10 o'clock ਤੱਕ ਜਾਂ PM ਤੱਕ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ, ਫਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਤੋਂ, ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਤੋਂ 9 to 10 PM ਜਾਂ 10 o'clock, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟੂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਟੂ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਸੌਖੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗੀਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਲ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼
लाइक एंड कमेंट करना एंड सबसक्राइब करना साढ़े चैनल नू। ते मैं होप करती हाँ कि तुहानू मतलब जो मैं करवा रही हाँ तुहानू समझ आ रहा होगा। प्रेपोजिशन जो अज मैं करवाइया बहुत ज़्यादा नहीं करवाइया, प्रेपोजिशंस बहुत ज़्यादा ने बट मैं बहुत ही उन्निया क करवाइया जिन्निया का तुहानू एग्जाम दे विच जरूरत आ, ज़्यादा नहीं करवाइया। जो जो एग्जाम दे विच आंदियां पईयां उही तुहानू प्रेपोजिशन करवाइया तो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दे नाल करवाइया गईयां। एंड थैंक यू सो मच।